हेलो सोशल मीडिया फैमिली, और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। फाइनली मैं आपको अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर से मिलाने जा रहा हूं, और फ्रेंचाइजी पार्टनर को मिलाने से पहले कुछ बातें शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि कभी भी किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं बनता है। जब हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस को लेके, हमें अगर 10 रुपये का सामान भी किसी से परचेज करना होता है और उसके बाद भी हम सोचते हैं कि यार इससे करेंगे ना करेंगे, कहीं महंगा तो नहीं है, बस वही चीज़ को देखते देखते ये एक स्टोरी बन गई हमारी। जब हमने बात कर रहे हैं आज न्यू चंडीगढ़ जो हमारा फ्रेंचाइजी आउटलेट की आज ओपनिंग है, कैसे मिले, कहां से आए, कैसे हुआ, बहुत एक लंबी स्टोरी है, और स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वीडियोस कंप्लीट जरूर देखना, एक बहुत पब्लिकली मैसेज भी है और क्या क्या इसके अंदर हमने मिस किया, कैसे एक दूसरे से हम मिले। और इसके अंदर सबसे बड़े मजे की बात बता दूँ कि जहाँ तक सरप्राइज है, कि वीडियो पूरी देखना फिर बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं, कैमरा भैया पे लेके आओ। ये वो भी हैं जिन्होंने एक एज अ कस्टमर बन के जीरकपुर हेड ऑफिस में रवि इंटीरियर्स के पास आते हैं, और आगे कैमरा लेके आओ भैया के पास। भैया मेरे से मिले आप, उससे पहले कैसे वीडियोस देखी और कैसे कहाँ तक कैसे कैसे रहा स्टोरीज वो बताना, फिर उसके बाद मैं आगे भैया से मिलाता हूँ। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं अपने इंट्रोडक्शन देता हूँ। हमारी फर्म का नाम है ADS बिल्डर्स, हम दो पार्टनर है अरव और ध्रुव। बेसिकली मेरा इंटीरियर का काम है, प्रॉपर्टी वी आर इन्वेस्टर्स, तो हमारा ट्राई सिटी में काम है, तो सर्वे करते हुए जीरकपुर जाते रहते थे, कहीं से वॉलपेपर्स ले लिए, इधर से ले लिए। बट एक बार मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था तो रवि इंटीरियर्स दिखा, मैं 2-3 बार जीरकपुर गया, बट थोड़ा शॉप अंदर करके मैं मुड़ के आ गया और कहीं से स्टफ वगैरह परचेज कर लिया। वो भी हमें इकोनॉमिकल लगा स्टफ जहाँ से हम परचेज करते थे। बट उसके बाद एक बार मैं स्पेशल इनकी दुकान पे ढूंढ के विजिट किया, वहाँ पे जाके इंट्रोडक्शन की, तो बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। और दूसरा, जितने भी चाय सुट्टा बार हैं उसकी हमारे पास सारी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सारी फ्रेंचाइजीज होल्ड वगैरह करते हैं, तो ऐसे से भैया से हमारी मीटिंग हुई, थोड़ा इंटीरियर का सामान दिया। आई थिंक मेरा कोई कैफे और जिम का काम चल रहा था, तो हमने लूअर्स, WPC, पैनल्स वगैरह, वॉलपेपर्स की सारी कलेक्शन ली थी उस टाइम। उसके बाद मैंने अपने पार्टनर से बात की, ध्रुव से, कि ऐसे ऐसे आई मेट वन गाय, ऐसे ऐसे ही इज द मास्टर ऑफ इंटीरियर्स, तो क्यों ना हम इनके साथ कोलैबोरेशन करें। बाकी ये बताएंगे कि कैसे हमने इनके साथ जर्नी स्टार्ट की। सो हाय एवरीवन, जैसे इसने बताया आपको कि हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी जस्ट विद द सर्वे, और सर्वे के बाद वो हमारी एक ऐसी बॉन्डिंग बन गई कह लो कि वी क्रिएटेड दैट बॉन्डिंग इनटू अ न्यू रिलेशन। वो हमारी एक फ्रेंचाइजी रिलेशन बन गया, तो वी स्टार्टेड दिस न्यू थिंग एज अ स्टार्टअप। और इसकी स्टार्टअप से पहले ही हमें इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है, और अब इट्स ओपनिंग डे, तो उससे भी मतलब अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा इसके बाद। तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती है, ये रियल स्टोरी के ऊपर बात कर रहे हैं। और मज़े की बात ये बता दूँ, इसी के अंदर जो ट्विस्ट आने वाला वो ये था कि इनके साथ ही इनके एक फ्रेंड थे, मैं इनकी बात करूँगा, क्लासमेट डिप्लोमा में साथ बहुत, मतलब इनका टाइम ऐसे अपना ब्रदर की तरह साथ में बिताओ। आप इधर आगे इस वाले चेयर पे आओ। तो ये भैया हैरी भैया, और जब मुझे एक्चुअल में पता चला इनका, इन्होंने क्या किया कि नॉर्मल जब भैया मेरे पास मटेरियल परचेज करने आते थे, और मटेरियल परचेज करते हुए भैया ने देखे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा दूर दूर से। उस दिन हमारे पास अचानक झारखंड से बंदे आए हुए थे। नेक्स्ट डे इन्होंने कुछ और परचेज करना था, उस दिन शिमला, जम्मू, काफी जगह से कस्टमर्स जैसे जैसे आपको पता कि हमारे पास आते रहते हैं। तो लास्ट ऐसे ही हुआ कि भैया आए हुए थे, तो इनसे मैंने बाद में पता चला कि इन्होंने क्या किया कि भैया से बात करके डिसीजन किया कि हम फ्रेंचाइजी लेते हैं न्यू चंडीगढ़ के लिए। इन्होंने लुधियाना प्लान किया था, लुधियाना दूर पड़ रहा था, तो न्यू चंडीगढ़ की फ्रेंचाइजी प्लान की। और मजे की बात यह थी कि जब दिन मुझे ये पता चला कि भाई ने जो फ्रेंचाइजी लेने का प्लान किया वो सरकारी जॉब छोड़ के लेने का प्लान किया, तो मैं मतलब एक बार तो मुझे अपने पे ट्रस्ट नहीं हुआ कि यार ऐसा क्या था। पर मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि अगर भाई ने डिसीजन लिया तो वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स ही इतने ज्यादा, अगर हम बल्क क्वांटिटी में काम कर रहे हैं तो शायद इसके बाद कुछ भी ऑप्शन नहीं बचती है। तो हैरी भाई आपको बताएंगे, आपने जो सरकारी जॉब छोड़ के डिसीजन लिया और कुछ वो बातें शेयर करा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हैरी है।
और मैं जैसे कि पता है आरुफ का फ्रेंड था, तो गवर्नमेंट जॉब पे था मैं, रूरल डिपार्टमेंट में मैनेजर, ब्लॉक मैनेजर था। तो एक दिन मैं ऐसे ही आरुफ के साथ आया था मिलने के, मिलने आया था चंडीगढ़ में, इसने बोला क्या हो, तो मुझे लगा कि ये बिजनेस वगैरह करता है तो इसके साथ कुछ प्लान करता हूँ, तो ये मेरे को ले गया अपने बिजनेस दिखाने के लिए। तो बोला कि मैं एक बंदे को मिला के लाता हूँ तेरे को। तो जाके मिले हम रवि भैया से, और ये बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा जो भी है बताया इसने अपने पार्टनर के साथ शेयर किया सबके, ऐसे हैरी भी प्लान करना चाहता है। तो मेरे को इनकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो सब अच्छी लगी, तो मेरे को लगा कि ये बिजनेस करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में मेरे को नहीं लग रहा था मुझे इतना मजा आ रहा है, जो बिजनेस में मैं इसको देख के कर रहा था कि ये जो ये सब कर रहा है, तो मेरे को लगा कि शायद बिजनेस में मुझे आना चाहिए। तो ये था एक भैया से मिलके, बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात सबसे पहले बता दूं, क्योंकि फ्रेंचाइजी लेने से पहले बहुत सारी चीजें मुझे भी देखनी होती है कि जिसको हम फ्रेंचाइजी दे रहे हैं क्या वो एक्चुअल में काम में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इनको पास बता दूं आपको मैं कि ये जो आप लोगो देख रहे हो ना, ये एक लोगो अपने आप में बहुत बड़ा पहचान है। क्लोज लेके आना थोड़ा सा। इनके पास 40 से 50 बंदे जो रेगुलर काम कर रहे हैं इंटीरियर्स का, जो इन्हें जितने भी चाहे सुट्टा बार बन रहे हैं, जितना भी मैक्सिमम, इसके अलावा और भी जिम क्लब इंटीरियर्स के बड़े बड़े घरों में काम चल रहा है। तो मैंने साइड विजिट्स करी सारी जगह पे, पहले ये देखा कि एक्चुअली जो काम हो रहा है वो फिनिशिंग वाला हो रहा है कि सिर्फ ऐसे ही है। तो मैंने देखा काम बहुत अच्छा था, और फाइनली फिर मैंने डिसीजन लिया कि क्यों ना क्यों हम अपने साथ इनको जोड़े और हम एक दूसरे के साथ मिलके, मटेरियल होलसेल में मेरे पास था और यहाँ पे टीम थी, तो हमने एक डिसीजन किया कि हम क्यों ना इंटीरियर का काम इस तरीके से करें कि जहाँ पे कस्टमर को वन ऑफ सॉल्यूशन ऐसा मिल जाए कि जहाँ पे उसको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो वो एक हम दोनों मिलके एक रवि इंटीरियर्स को न्यू चंडीगढ़ लेके आए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फुल एंड फुल सपोर्ट करोगे और आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते रहेंगे। और इंटीरियर्स की कहीं पे कोई भी इंक्वायरी है, पैन इंडिया कहेंगे, अगर आपको कहीं से कोई भी इंक्वायरी है जिसने कुछ भी काम करवाना है तो हमसे करवा सकता है। और एक शुरुआत है छोटी सी, है ना, तो आगे कस्टमर्स यहाँ पे पहले ही हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आप लोग आगे प्यार करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। ओके था।